जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बैसाखी हारी है, 14 अप्रैल की बैसाखी का पर्व मनाया जाएगा और इसे मेष संक्रांति भी कहते हैं, क्योंकि सूर्यदेव मीन राशि से मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे अपनी सेनापति के घर पे यानी मंगल के घर पर। और यहाँ पर आकर के सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं। तो जब सूर्य उच्च के होते हैं तो क्यों ना हम अपनी मनोकामनाओं इनको बोलें और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बैसाखी के पर्व हरियाणा और पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि सारे किसान इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी खेती बाड़ी जो पूरे साल की जो मेहनत है अब उनको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। उस लहराती खेती को देख करके किसान बहुत खुश होते हैं। आइए उनकी खुशी के अंदर हम भी शामिल हो जाते हैं। इस दिन कुछ उपाय करें जो हमारी हेल्थ वेल्थ सक्सेस से संबंधित है। इन दिन करने से हमारे जीवन के अंदर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, हमारे जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि आएगी। सबसे पहला काम तो इस दिन सुबह जल्दी उठना है। सुबह जब सूर्य सनराइज के समय आप उठें, उठने के बाद में स्नान करने के बाद में एक तांबे के लोटे के अंदर उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लीजिएगा, थोड़े से गुलाब के फूल और थोड़ी सी रोली मिला लीजिएगा। इसको करने के बाद में आपने सूर्य को जल देना है। जल देने के बाद में 1 सेकंड के लिए वहीं खड़े होकर के आपने 7 बारी गायत्री मंत्र का जाप करना है। और इसके बाद में अपने दोनों हाथों को सूर्य देव की तरफ करने के बाद में आपने प्रार्थना करनी है। जाने अनजाने वहीं खड़े हमसे गलती आई है, हे सूर्य देव, हे साक्षात देवता, हमारी जो भी परेशानी है उनको ख़त्म करें, हमारे जीवन के अंदर खुशियाँ आए, हमारे जीवन के अंदर शांति की तरफ कर। ये आपने प्रार्थना करी। उसके बाद में एक विशेष उपाय इस दिन करना है, आपने मिट्टी की एक पाली लेनी है और उसके नीचे गेहूँ रखने हैं। और गेहूं रखने के बाद में एक आपने इसके अंदर घी का दीपक जलाना है। इसको आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखना है और कोशिश करें कि ये जो दीपक है आपका कम से कम 7 से 8 घंटे तक, मतलब बड़ा ले लीजिएगा और वहां पर जलाइए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस दीपक को आपने जलाना है ताकि अन्नपूर्णा आपके घर के अंदर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। एक और उपाय, जिन बच्चों का मन पढ़ाई की तरफ नहीं लग रहा है या एग्ज़ाम देते हैं या एग्ज़ाम के अंदर भूल जाते हैं, तो कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। आपने करना क्या है, जिन बच्चों के एग्ज़ाम हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन ज़रूरतमंद को आपने पढ़ाई से संबंधित चीज़ों का आप दान करिए। अपनी पॉकेट के सामर्थ्य के अकॉर्डिंगली आप उनको अपने बच्चों के हाथ से ज़रूरतमंद बच्चों को दान कराइए। जैसे कॉपी हो गई, किताब हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, रबड़ हो गई, ये सब चीज़ें, और स्कूल बैग, ये सब चीज़ें आप उनको डोनेट करिए। इससे जो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था तो पढ़ाई की तरफ लगेगा। खास इसमें बच्चों के हाथ से आप देंगे तो माँ सरस्वती का आपको आशीर्वाद मिलेगा और सूर्य देव आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करेंगे। साथ में इस दिन दान पुण्य करने का भी बड़ा महत्व है। इस दिन आप अन्न का दान करें, मंदिर के अंदर आप दान कर सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को आप अन्न का दान करें, क्योंकि खेती का सीधा संबंध जो है ना सूर्य देव के साथ में है। तो सूर्य से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका आप दान करते हैं तो आपके जीवन के, जैसे आपने गेहूँ दान कर दिया और या फिर गुड़ आपने दान कर दिया, तो ये सब चीज़ें अगर आप दान करते हैं तो जीवन के अंदर बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। कहते हैं ना, दान के अंदर बहुत ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। अपने आप से ज़रूर प्यार करिए, साथ में समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए। आपका एक अच्छा काम किसी की ज़िंदगी को बना सकता है। जय श्री राम।